ये है आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्लेट, एक ट्रायंगुलर प्लेट है उसका मुझे सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। अब इसमें क्या मतलब है कि इसमें अभी तक जो भी हम इंटीग्रेशन कर रहे थे उसमें सिंगल वेरिएबल आ रहा था, या तो थीटा आ रहा था या तो वाई आ रहा था, इस टाइप का। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें जो इंटीग्रेशन है वो उसमें एक्चुअली दो वेरिएबल, क्योंकि अगर मान लो ट्रायंगुलर प्लेट है, अगर कोई एलिमेंट लेते हो, यहाँ पर कोई एलिमेंट लेते हो, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आप देख रहे हो कि ये जो है वो थीन होता चला जा रहा है, मतलब x भी वेरी कर रहा है, y भी वेरी कर रहा है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे x भी वेरी करेगा और y भी वेरी करेगा। तो ये कुछ अलग, थोड़ा सा अलग टाइप का है जिसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो मैं बेस, इस ट्रायंगुलर प्लेट का बेस a ले लेता हूँ और इसकी जो ये वाली जो हाइट है उसको मैं बी ले लेता हूँ। इसी के टर्म में मुझे कैलकुलेशन करना। चलो तो अब मैं यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ, इसका मास m ले लो, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो सबसे पहले मैं डिफरेंशियल यहाँ से काटूँगा। बहुत थीन है, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो एक यहाँ से मैं चला गया सेंटर से y डिस्टेंस ऊपर चला गया और यहाँ से मैं ले लिया थिकनेस dy का एक एलिमेंट, बाहर निकालूंगा इसको। ठीक है, इसको मैं बाहर निकाला यहाँ से, तो इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है वो dy है, और ये इसकी ये वाली जो लेंथ है वो कितनी, इसकी जो थिकनेस है वो dy है। तो इसकी जो थिकनेस है dy है और इसकी जो लेंथ है, यहाँ से जो लेंथ कंसिडर, ये देखो वही मैं बोला था दो वेरिएबल, यहाँ से जो लेंथ है वो l ले लेता हूँ, तो इसकी जो लेंथ है वो al हो गया और इसकी थिकनेस dy हो गई। तो मासेस एरिया वाइज है तो मुझे इसकी एरिया निकालनी पड़ेगी यार, तो इसकी जो एरिया हो जाएगी वो एल डी वाई के इक्वल हो जाएगी। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल की तरह बिहेव कर रहा, एल डी वाई के इक्वल हो जाएगी। दिस इज द स्मॉल एरिया। इसमें कितना मास आया होगा, उसमें मास dm आया होगा, तो मास पर यूनिट एरिया और मल्टीप्लाइड बाई इस छोटे एरिया से मुझे पता चल जाएगा इसमें कितना मास आया। तो टोटल मास इस ट्रायंगुलर प्लेट का एम है और इस ट्रायंगुलर प्लेट की एरिया, तो एरिया क्या होती है, 1/2 बेस और मल्टीप्लाइड बाई हाइट बी है भाई। इसका एरिया, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है एल डी वाई। कुल मिला के जो डीएम बनेगा, डीएम बनेगा, तो उस डीएम की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2M एम ए और बी और एल डी वाई। दिस इज द डीएम। अब देखो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसमें दो दो वेरिएबल हैं यार, एक एल भी है, एक डी वाई भी है, एक वाई वेरिएबल है और एक एल वेरिएबल है। तो ऐसे इंटीग्रेशन को अब ये 11th लेवल पे, ठीक है, या 12th लेवल पे, वैसे तो बड़े लेवल पे दोनों को एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक, तो डबल इंटीग्रेशन यूज करके, बट अभी मुझे ऐसा कोई पढ़ाई नहीं पड़े हैं, तो हम इन दोनों को रिलेट करेंगे यार, इन दोनों को रिलेट करेंगे बाई ज्योमेट्री या बाई यूजिंग द मैथमेटिक्स, ऐसा मैथमेटिक्स टूल्स, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसके यूज करके इन दोनों को किसी एक में कन्वर्ट कर लें, मतलब दोनों को रिलेट कर देंगे। ठीक है, चलो तो अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूं तो मैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। तो यहां से अगर मैं एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, तो अगर देखो एक ट्रायंगल है जिसमें अगर ये ए है और ये एल है और ये पूरा का पूरा, एक पूरा का पूरा बी है और यहां से वाई है, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, ये एल बी और ये सारे रिलेट हो जाएंगे। बी b upon y must be equal to a upon l by using the property of triangle। अब देखो जो l की वैल्यू आ जाएगी, l की वैल्यू वो आ जाएगी a upon b y, l जो है y में कन्वर्ट हो गया। अब इस l को मैं अगर यहाँ उठा के रख दूंगा तो जो dm मिलेगा, जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो सिर्फ y में मिलेगा, l जो है y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले इसको सही से कर लेते हैं, ठीक है, तो जब मैं इसको dm को थोड़ा और ढंग से लिखूंगा, तो dm उसको यहां से उठा के रख दूं तो 2M और a और b, l की वैल्यू a अपन b आई और y आई और dy आ गया, ठीक है, ये तो a ने a को खत्म कर दिया, ठीक है, तो 2M और नीचे जो है वो b स्क्वायर और y dy
दैट इज द डीएम, है ना। कितना मुश्किल है डीएम निकालना, मेन गेम जो है वो डीएम निकालना है, ठीक है ना। चलो अगर मैं डीएम निकाल लिया तो अब मुझे वाई कोऑर्डिनेट, आप क्या इसका सेंटर ऑफ मास एक्स में आएगा, नहीं आएगा भाई, क्योंकि जो रॉड लिए हो उसका जो सेंटर ऑफ मास है, जो रॉड लिए हो उसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे यहाँ है, यहाँ है इसका सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास का जो वाई कोऑर्डिनेट है खुद वाई है यार, सेंटर ऑफ मास का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो खुद वाई है, और ये जो ट्रायंगुलर प्लेट है वो रॉड ओवर रॉड से ऐसे मिल के बना होगा, ठीक है। तो सभी रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो वाई पे आ रहा है, का जो सेंटर ऑफ मास है एक्स एक्सिस में आएगा ही नहीं, ठीक है, सेंटर ऑफ मास वाई में ही आएगा। तो अब डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, ठीक है, और डीएम की वैल्यू डाल दो, इंटीग्रेट कर लो वाई कहां से, वाई सी एम, वाई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम, वाई इज इक्वल टू जीरो टू वाई इज इक्वल टू बी, ठीक। तो ये वाई को वाई और वन अपन कैपिटल एम से मास से डिवाइड कर दो, वन अपन कैपिटल एम और जीरो टू B, और Y की वैल्यू कहाँ है, Y तो Y ही रहेगा क्योंकि सेंटर ऑफ DM का सेंटर ऑफ मास का Y कोऑर्डिनेट Y ही है, और DM उधर से उठा के लेके आए, तो 2 कैपिटल M B स्क्वायर Y dy। अब इसको सॉल्व कर लो यार, यही मुझे फाइनल सोल्यूशन दे देगा। तो M ने M को और 2 अपान B स्क्वायर इधर से आ गया, और y स्क्वायर dy इधर बच गया, और ये 0 टू b इंटीग्रेट हो गया, तो 2 अपान b स्क्वायर, 2 अपान b स्क्वायर, और ये 1 अपान 3 और b की पावर q स्क्वायर, मतलब जो ycm आ जाएगा, ycm आ जाएगा वो आ जाएगा 2 अपान 3 b, दैट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब ये हुआ कोई ट्रायंगुलर प्लेट है, ये ट्रायंगुलर प्लेट है, तो ये A है और ये B है, तो सेंटर ऑफ मास इसका Y एक्सिस पे यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, 2, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, जो जिसकी वैल्यू इतनी होगी, ठीक है, इस पॉइंट पे, क्लियर है, मिड पॉइंट पे नहीं, टू थर्ड ऑफ B, ठीक है, तो टू थर्ड ऑफ B पे आएगा।